या वो क्या फैक्ट है, यानी कि एडमिटेड फैक्ट है, तो एडमिटेड फैक्ट को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो फैक्ट एडमिटेड है। अब एक तो हो गया एडमिटेड है कि हमने कोर्ट में खुद ही मान लिया कि हाँ भाई ए कह रहा है बी ने मर्डर किया, तो बी उस एरिया में था, अब बी चीज को एडमिट कर रहा है हाँ मैं उस एरिया में था, तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बी वहां पे था, वो ऑलरेडी एडमिटेड फैक्ट्स है। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन यानी कि जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं। अब फैक्ट्स जो एडमिटेड हैं इनमें कुछ चीजें हमें समझनी है कि एक तो हो गया हम अपनी मर्जी से एडमिट कर रहे हैं, एक है कि हमने किसी टाइम पे एडमिट किया था लेकिन आज डिनाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट हो रहा है। ए ने कहा बी से, बी एक शॉप ओनर है, ए ने कहा कि सी मेरा एजेंट है, जब भी ये आएगा आप इसको सामान दोगे, ये उसने एक स्टेटमेंट दी। अब ए ने सी को निकाल दिया जॉब से, जिस दिन जॉब से निकाला सी सबसे पहले गया बी की दुकान पे और वहां पे सामान ले लिया, उसने पूरे 2-4 महीने का 2-4 लाख रुपए का सामान ले लिया, बी ने दे दिया क्योंकि बी ने ए ने कहा था। अब जब डिस्प्यूट हुआ और बी ने ए से क्लेम किया और वो कोर्ट में गए, अब वहां पे वो ये कहने लगे जी मैंने नहीं कहा था, यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, वहां पे पहले उसने कहा स्टेटमेंट, तो ये एडमिटेड फैक्ट्स है कि उसने ये बात कही थी, अब वो प्रूफ कैसे होगी वो एक अलग बात। अभी हमें क्या करना है, एडमिशन करना है कि एडमिशन में क्या क्या चीजें कवर हों। तो एडमिशन बहुत कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं होता, एडमिशन एक वीक एविडेंस कह सकते हैं। एडमिशन के साथ साथ और चीजें, सर्कमस्टेंसेस और कंडक्ट क्या था, वो सारी चीजें देखने के बाद उसके बाद कंक्लूजन निकल के कोई भी चीज प्रूव हो। सिविल और क्रिमिनल में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि सिविल में बैलेंस ऑफ प्रूफ होता है और क्रिमिनल में प्रूफ करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर वहां पर रीजनेबल डाउट भी क्रिएट हो गया तो एक्यूज कन्विक्ट नहीं हो सकता, और यही चीजें एविडेंस को डिफरेंट कराती हैं। इसलिए एडमिशन है चाहे कन्फेशन है, कन्फेशन भी पार्ट ऑफ द एडमिशन है। कन्फेशन क्या कर रहा है, बंदा एडमिट कर रहा है अपना गिल्ट। अगर ब्रॉडर स्केल पे देखें तो एडमिशन एक स्टेटमेंट कही गई किसी टाइम पे की गई, हो सकता है वो ऑरली कही गई हो सकता है किसी स्टेटमेंट में कही गई हो, रिटन में हो कहीं। मान लीजिए ए और बी के बीच में आज कोई डिस्प्यूट है, आज एक प्रॉपर्टी है, एक ए ने बी को रेंट पे दिया है मान लीजिए, और उसको खाली कराना है, कुछ डिस्प्यूटेड है कुछ है। उससे पहले ए ने बी को रेंट पे दी थी वो प्रॉपर्टी, अगर पहले वाले केस में ए ने कोई अपने प्लेंट में कोई चीज कह रखी है और उसके साइन है प्लेंट में, तो वो रिटन डॉक्यूमेंट एडमिटेड फैक्ट हो गया, वो आगे यूज हो सकता है। तो इसी तरीके से एडमिशन में और कन्फेशन में क्या होता है डिफरेंस, अगर हम समझ रहे थे कि स्टेटमेंट एक बड़ा चीज है, किसी टाइम पे किसी ने कुछ कहा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उनमें से कुछ रिलीवेंट पोर्शन हो सकता है कि हमारा जो रिलीवेंट केस चल रहा है उसके लिमिटेड एडमिटेड फैक्ट्स का ही हो, उस एडमिटेड फैक्ट में भी एक छोटा पोर्शन है कन्फेशन। कन्फेशन में और एडमिशन में मेजर डिफरेंस ये है, एडमिशन में किसी फैक्ट्स को एडमिट किया गया है, कन्फेशन में उसने अपने गिल्ट को एडमिट किया है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, तो वो बहुत माइन्यूट आ गया एट कन्फेशन। दूसरी बात, एडमिशन किन फैक्ट्स का होता है, किन स्टेटमेंट्स का होता है, एक होती है सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट और एक होती है सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जिससे बोलने वाले का, स्टेटमेंट देने वाले का, एडमिट करने वाले का हार्म होगा अगर उसे माना जाएगा, एक है जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका फायदा होगा। तो एडमिशन एज अ एविडेंस सिर्फ वही स्टेटमेंट एडमिट होती है जिससे बोलने वाले का हार्म होगा, अदरवाइज तो मुझे अगर कोई डिस्प्यूट है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, आज ही मैं अपने फेवर में 2-4 स्टेटमेंट लोगों से बोल दूं कि बाद में उसे यूज कर लेंगे एडमिटेड फैक्ट्स में, मैंने तो पहले बोल दिया था। तो एडमिशन में सिर्फ वही स्टेटमेंट एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर यूज होती है फैक्ट्स जो हार्मफुल होती है बोलने वाले के लिए, जिसका जो बोल रहा है उसका इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है तो ही वो यूज होंगी, अदरवाइज नहीं यूज होंगी, उसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 21 में भी डिस्कस करेंगे। तो एडमिशन क्या है, एडमिशन एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, वो ऑरल भी हो सकती है,
डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। कभी किसी ने कोई बात कही है वो एडमिट हो गया, ओरल स्टेटमेंट है, राइटिंग में हो गया, किसी चीज की रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। अब उस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, उस स्टेटमेंट में कोई ऐसी रेफरेंस दे रहा है जिससे या तो फैक्ट्स इन इश्यू या रिलीवेंट फैक्ट्स के बारे में रेफर कर रहा है कि हाँ भाई ये हुआ था तो, और वो कौन कर रहा है, कौन कर सकता है एडमिशन, वो सेक्शन 18, 19 और 20 में डिफाइंड है कि ये लोग एडमिट करेंगे तो उनकी बात को रखा जाएगा। अगर कोई स्ट्रेंजर एडमिट करे जो पार्टी डिस्प्यूट में नहीं है, मान लीजिए दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच में, अब वहां पे एक स्ट्रेंजर की कोई स्टेटमेंट थी, एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं उसको समझने के लिए कि डिस्प्यूट है ए और बी का, कोर्ट में मैटर चल रहा है ए और बी के बीच में। अब ए ने कोई प्रॉपर्टी ली थी बी से और अमाउंट तय हुआ था 50 लाख रुपए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल 50 लाख रुपए तय हुए थे। बी ने कुछ एडवांस दिया उसको, ए को राइटिंग में कुछ हुआ नहीं खास, लेकिन बी ने एडवांस दिया ए को। अब सी ने, अगर सी ये कहता है, अगर कोई स्ट्रेंजर है वो ये एडमिट करता है कि किसी के सामने उसने, सी ने ये कहा था कि ए ने 10 लाख रुपए बी से लिए इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ए और बी की डीलिंग चल रही है, एक थर्ड पर्सन है सी, सी ने कहीं एडमिट किया, किसी से कहा, किसी दुकानदार से कहा, किसी से कहा कि मैंने ये सुना है और देखा है कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है और 10 लाख रुपए उसने बी से ले लिए हैं। ये स्टेटमेंट है, सी एडमिट कर रहा है, क्या कोर्ट में ये स्टेटमेंट एडमिट एक्सेप्टेबल होगी, आपके हिसाब से क्या है, एक्सेप्टेबल होगी ये या होनी चाहिए? होनी चाहिए अगर सी विटनेस है तो। अब यहाँ पे हम मेजरली ये कंफ्यूजन आता है, ये मेजरली कंफ्यूज आता है, हम एडमिशन में और विटनेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम यहाँ विटनेस की बात नहीं कर रहे, अगर सी विटनेस है तो विटनेस की स्टेटमेंट देगा, हम यह बात कर रहे हैं एडमिशन के उन स्टेटमेंट की जो ऑलरेडी बोली जा चुकी है या ऑलरेडी हो चुकी है। मान लीजिए सी की डेथ हो गई या सी फॉरन चला गया, सी नहीं आ सकता, लेकिन उस दुकानदार ने यह कहा, सी ने मुझसे ये कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी कि ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा 10 लाख रुपए से ले ली है, ये स्टेटमेंट सी ने मुझे दी, क्या ये स्टेटमेंट एज एडमिटेड फैक्ट हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्टेटमेंट जो स्ट्रेंजर की है, क्योंकि अगर स्ट्रेंजर की स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट कर सके तो उसको मिसयूज हो सकता है। मान लीजिए सी अपने 10 लोगों से कहलवा देगा कि मार्केट में फैला दो कि इसने मुझसे 10 लाख रुपए लिए, ना ही दिए उसने 20 में, बी ने 1 लाख रुपए दिया अभी बहना, और अपने 10 लोगों को बोलता है अलग जगह फैला दो कि मैंने मुझसे इसने 10 लाख रुपए लिए, तो वो तो फिर प्रूव हो जाएगा। अच्छा वैसे तो इसकी फेवर में जाएगा ये। तो एक जनरल रूल जो है वो ये है कि स्ट्रेंजर टू द पार्टी टू द सूट की स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगी, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन वो हम देखेंगे सेक्शन 20 में। आगे चलते हैं, तो जनरल रूल जैसे हमने बोला कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल एविडेंस होती है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल एविडेंस नहीं होती, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो सेक्शन 21 में है, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि अगर जब पेपर में लिखना होगा या पढ़ने होंगे तो आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे कि इन पॉइंट्स पे हमें लिखना है। सेकंड पॉइंट, एडमिशन बाय स्ट्रेंजर टू सूट आर नॉट रिलीवेंट, स्ट्रेंजर की दी हुई एडमिशन भी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं होती, उसके एक्सेप्शन है सेक्शन 20 में, उनको भी डिस्कस करेंगे। एडमिशंस जो स्टेटमेंट्स एडमिटेड फैक्ट्स होती है वो जुडिशियल एडमिशन हो सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो सकता है। जुडिशियल एडमिशन का मतलब क्या है, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान कोई स्टेटमेंट दे रहा है, पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पज क्या होता है, जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका पर्पज ही मेन ये है कि अपोजिट पार्टी से कोई ऐसी स्टेटमेंट निकाली जाए जो उसके इंटरेस्ट को हैम्पर करती हो और हमारे केस को प्रूव करती हो, क्रॉस एग्जामिनेशन का और पर्पज ही कुछ नहीं है, मेन पर्पज ही ये है
कि कोई एडमिट फैक्ट्स एडमिट करा लें उस पार्टी से जिसका क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। डिफेंस काउंसिल होगा तो वो कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, उससे कुछ ऐसे फैक्ट्स निकलवाने की जरूरत पड़ेगा जो उसको हार्मफुल होगा। और प्रोसिक्यूशन का होगा तो वो एक्यूज से कुछ ऐसे स्टेटमेंट निकलवाएगा, तो वो है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, जैसे हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं, कोर्ट के बाहर की प्रोसीडिंग से पहले की और बाहर की जो स्टेटमेंट है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, जैसे हमने बात की थी स्टेटमेंट, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और एविडेंट इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा पर्सन का जो कंडक्ट है वो भी एज एन एडमिशन लिया जा सकता है। कभी कभी पर्सन का साइलेंस भी एडमिशन लिया जा सकता है। ए और बी एक पार्टी में है, 10 लोग खड़े हैं वहां पे, ए ने कहा कि बी ने मेरे से 10 लाख रुपए दिए हैं और अगले महीने बयाना कर देगा, ये 10 लोग देख रहे हैं, बी साइलेंट है, तो साइलेंस कैन बी एडमिटेड फैक्ट, वो भी एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो केस है ये मायो वर्सेस मायो, ये 1949 का केस है, इंग्लिश केस है। इसमें एक लेडी ने जो अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वहां पे ना तो फादर्स का नाम लिखा ना फादर का ऑक्यूपेशन लिखा, तो उस टाइम पर, आज के टाइम पे ये सिनेरियो चेंज है। अगर आज के टाइम पे ऐसा केस होगा तो वो डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। हो सकता है कि मदर, सिंगल मदर भी क्या कहते हैं मदर बन सकती है, उसको फादर के नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो सिनेरियो है वहां पे ये कंडक्ट एडमिसिबल फैक्ट माना एडल्ट्री का, कि जो फादर का, या तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो फादर का पता नहीं है, या फादर उसका ओरिजिनल जो हस्बैंड है वो फादर नहीं है, तो वहां पे उसके कंडक्ट को एडल्ट्री का प्रूफ एडमिसिबल फैक्ट माना। तो यहाँ पे इस फैक्ट्स पे ना जाए इस केस के, क्योंकि अगर ये केस आज की डेट में होता तो इसका जजमेंट कुछ और होता, लेकिन इसका जो पर्पस है उस पर्पस को समझें कि एक पर्सन के कंडक्ट को भी एडमिसिबल फैक्ट माना जा सकता है, कोर्ट में यूज किया जा सकता है, साइलेंस भी यूज किया जा सकता है। एडमिशन इज नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है कि खाली एडमिशन के बिहाफ पे पूरा केस तय नहीं हो सकता, डिसाइड नहीं हो सकता। दूसरा, एडमिशन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ होल। अब इसमें ये केस है, यहाँ पे ये चीज डिसाइड की गई कि एडमिशन कैन बी एक्सेप्टेड एज अ होल। एक बंदे ने एक स्टेटमेंट दी है, उसमें सब कलेक्टिव पार्ट अपना सेलेक्ट कर लिया, कलेक्टिव पार्ट को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा। एडमिसिबल जो स्टेटमेंट ली गई है वो पूरी एज अ होल उसको ली जाएगी, और क्लियर हो, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, उसमें कोई डाउट ना हो, तभी वो स्टेटमेंट एडमिटेड फैक्ट्स में ली जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज है कि एक स्टेटमेंट की है और स्टेटमेंट के दो मीनिंग निकले सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप उसका वो मीनिंग ले लो जो अपोजिट पार्टी के फाइवर का हो। तो इसलिए इसमें एडमिशन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हम स्टेटमेंट ले रहे हैं वो पूरी लेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, उसमें क्लैरिटी हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो। अगर वो एम्बिग्यूटी होगी तो वो इतना एफिशिएंट एडमिसिबल फैक्ट नहीं होगा, एक चीज। एडमिशन ऑफ फैक्ट इज एडमिसिबल, नॉट एडमिशन ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ फैक्ट्स की एडमिसिबल होती है। अब जैसे कि आप कोर्ट में जा रहे हैं और एक पार्टी है, पार्टी खुद तो कोर्ट में जाती नहीं, उनकी तरफ से प्लीडर्स जाते हैं, काउंसिल जाते हैं, काउंसिल जो फैक्ट्स बोल रहे हैं और जो एडमिट कर रहे हैं वो ये माना जाता है कि उनकी पार्टी जो है वो एडमिट कर रही है वो फैक्ट्स। तो अगर काउंसिल ने कोर्ट में खड़े होके किसी फैक्ट को एडमिट किया है, ऑन रिकॉर्ड वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, तो वो स्टेटमेंट ये माना जाएगा कि पार्टी ने एडमिट किया है। लेकिन अगर कोई लॉ ऐसा है जिसकी टेक्निकलिटी है कुछ और उसको एक्सेप्ट किया है या एडमिट किया है काउंसिल ने, उसके लिए पार्टी बाउंड नहीं है, तो एडमिशन ऑफ फैक्ट होता है, एडमिशन ऑफ लॉ नहीं होता। अब एक चीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे और इन पे हर पॉइंट पे क्वेश्चन निकलेंगे, तो हर पॉइंट के ऊपर 10 केस, अलग अलग टेक्निकलिटीज पर केस, कहीं पे चीजों को एक्सेप्ट किया गया, कहीं पे चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बोली कि स्टेटमेंट एज अ होल लेंगे, पूरी स्टेटमेंट को लेंगे,
लेकिन इसमें ऐसे भी जजमेंट्स हैं जहां पे ये बात की गई है कि एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट थे, एक फैक्ट का जो एडमिशन था वो डिसप्रूव हो गया, लेकिन दूसरे फैक्ट का जो एडमिशन है उसको मान लिया कोर्ट ने, तो ऐसे भी जजमेंट्स हैं। ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो जनरल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। जब हम कोर्ट में जाएंगे तो इसकी हम रिसर्च करेंगे, इनके ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर कितने जजमेंट हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आज एक जजमेंट है, कल दूसरा नया जजमेंट आ जाए, तो उनको डिटेल स्टडी करके वहां पे एप्लीकेशन होगा। हाँ, ये हो गया। हु कैन मेक एडमिशंस, हमने सेक्शन 18, 19, 20 में एक्सप्लेन किया है कि एडमिशन कौन कर सकता है। एडमिशन कौन कर सकता है मतलब किनकी स्टेटमेंट्स को एज एडमिसिबल फैक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया पार्टी टू प्रोसीडिंग। जो प्रोसीडिंग्स है, सूट चल रहा है, उसमें जो पार्टीज हैं दोनों, चाहे डिफेंडेंट की तरफ से है, कंप्लेनेंट की तरफ से है, तो उनके जो फैक्ट्स उन्होंने एडमिट किए हुए हैं उनको लिया जाएगा, पहली चीज। या उनके एजेंट के थ्रू जो कहा गया है, एडवोकेट काउंसिल जो है वो भी उनके एजेंट है, ऑथराइज, उनके ऑथराइज किए गए हैं। या कंपनी की तरफ से एक, क्या बोलते हैं, माइंड से नाम स्लिप हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, जो कंपनीज होती है, कंपनी खुद तो जाती नहीं है, तो वहां पे एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, AR होते हैं, जो कोर्ट में उनके मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एजेंट की तरह कंपनी का काम करते हैं, उन्होंने कोई फैक्ट एडमिट किया तो वो भी एडमिसिबल फैक्ट है। बाय पार्टी टू द सूट इज द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में एक एग्जांपल तो आप क्लास एक्शन सूट का ले लो। क्लास एक्शन सूट है जहां पे एक बिल्डर है और उसके 1000 कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स नहीं कह सकते, जिन्होंने फ्लैट बुक किए हुए एक तरीके से, और वो बिल्डर के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं। तो 1000-10000 लोग जाने के बजाय कुछ लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जिसपे बात है कुछ लोग जाके रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, और उस कैपेसिटी में जिस कैपेसिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे उन्होंने उस कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट बोल दिया तो वो भी एडमिटेड फैक्ट्स होगा। ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रस्टी या कोई और उसके लिए जा रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस करेक्टर में है, उस टाइम पे जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, दैट वुड बी एडमिटेबल फैक्ट्स, उनको एडमिट किया जा सकता है, उनको उनके खिलाफ यूज किया जा सकता है। बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, जो पार्टी सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, चाहे तो पिक्यूनरी चाहे प्रोप्राइटी, पैसे से रिलेटेड या प्रोप्राइटी से रिलेटेड कोई सूट चल रहा है दो लोगों के बीच। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी, उसमें तीन भाई हैं, तीनों का उसमें शेयर है, किसी चीज को डिस्प्यूट लेके कि छत पे कौन बनाएगा, किसने क्या कहा था, उस पर पार्टीशन हुआ नहीं है, दो भाइयों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे तीसरे भाई का भी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, तो तीसरे भाई ने उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट दी है, कि जी फादर ने ये कहा था और ये स्टेटमेंट दी थी, ये एडमिटेड फैक्ट है, फादर की होगी, फादर की मान लो डेथ हो गई तो डाइंग डिक्लेरेशन में आ ही जाएगा, लेकिन तीसरे भाई ने भी उसके बारे में कोई एडमिटेड फैक्ट कहा है, तो वो भी कोर्ट में एडमिसिबल है, उस स्टेटमेंट को भी एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है उसका प्रोप्राइटरी और मॉनिटरी इंटरेस्ट है उस के सब्जेक्ट मैटर में। इसके अलावा प्रीडेसेसर इन टाइटल, स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ इंटरेस्ट इन द टाइटल। ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी, ए ने बी से प्रॉपर्टी परचेज की है, अब ओनरशिप किसके पास हो गई, ए के पास हो गई, उस प्रॉपर्टी पे कोई टेनेंट है, या कह सकते हैं ए का उसके अपने नेबर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है बाउंड्री को लेकर, कि भाई ये बाउंड्री आपने जो कराई है ये आपने इधर करा दी है, एक लाइन इधर कर दी, इधर होनी चाहिए, इसमें क्या है, बी का इस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं है, बी ने प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी ए को, अब डिस्प्यूट किसका है, ए और सी का, लेकिन उस प्रॉपर्टी का पहले ओनर कौन था, बी था, और जब वो ओनर था उस टाइम पर उसने कोई स्टेटमेंट दी थी या राइटिंग में कोई फैक्ट उसने कहा था कि ये जो लाइन यहां से यहां तक है वो सी की है और यहां से यहां तक मेरी है, तो वो एडमिटेड फैक्ट भी यहां पे एडमिसिबल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। प्रीडेसेसर इन टाइटल, इसमें दो क्वेश्चन, एक डाउट हो जाता है कहीं कहीं ना, ये चीजें क्लियरिटी से लिखी हुई नहीं है। प्रीडेसेसर इन टाइटल, मान लीजिए बी की स्टेटमेंट है सेल करने के बाद, बी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी ए को, अब डिस्प्यूट है ए और सी का, अब सेल करने के बाद बी ने कुछ कहा है, तो वो एडमिसिबल फैक्ट नहीं है।
एडमिसिबल फैक्ट वो है जब बी का उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था सेल करने से पहले, तब जो उसने स्टेटमेंट एडमिट किए हैं वो हम यूज कर सकते, वो सी यूज कर सकता उसके अगेंस्ट। तो ये सारी बातें जो फर्स्ट फाइव पॉइंट्स हैं ये हैं सेक्शन 18 में मेंशन। अब सेक्शन 19 क्या कहता है, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन लायबिलिटी मस्ट बी प्रूव टू प्रूव द लायबिलिटी ऑफ पार्टी इन सूट। क्या मतलब है इसका, मतलब एक लाइन में यहाँ पे लायबिलिटी मैंने ऐड किया है, सेंटेंस में वहां लायबिलिटी लिखा नहीं, पोजीशन लिखा है। पोजीशन से आप ये बात समझो, इसमें जो बियर एक्ट में एग्जांपल दे रखा है इसका, वो एग्जांपल ये दे रखा है कि ए ने बी को हायर किया कि जो है रेंट कलेक्ट करेगा। ए है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टी है, उसने एक मैनेजर को हायर कर लिया बी को कि भाई तू जितने रेंट वाले हैं जिन्होंने रेंट पे करना है सबसे पेमेंट कलेक्ट करना है, रेंट कलेक्ट करना है। अब उसने सी से कलेक्ट किया यानी कि पिछले कई सालों को, और जो सी से कलेक्ट नहीं किया ए ने बी पे सूट किया, हो सकता है वो बिना राइटिंग के अलग से आधे पैसे ले रहा हो, उसको दो तीन साल हो गए कुछ हो गए। अब ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है कि भाई तूने बी से रेंट सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया, बी कह रहा है सी ने तो कहा है सी का रेंट बनता ही नहीं है देना, सी का रेंट बनता ही नहीं है देना कि सी ए को रेंट दे। अब अगर अब यहाँ पे बी की जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी क्या थी कि उसे सी से रेंट कलेक्ट करना है, वो उसने नहीं किया, तो बी की लायबिलिटी प्रूव करने के लिए अगर सी ने कोई स्टेटमेंट दी है ऐसी जिससे ये पता चलता है, जिससे वो ये कहता है कि मुझे रेंट देना है ए को, तो सी की लायबिलिटी अगर प्रूव होती है उससे बी की लायबिलिटी प्रूव होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां जहां पे एक बार लाइन को दोबारा पढ़िए, एडमिशन बाय पर्सन हूज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड टू प्रूव द लायबिलिटी ऑफ पार्टी इन सूट। यहाँ पे सी की पोजीशन को प्रूव करना जरूरी है बी की पोजीशन को प्रूव करने के लिए, यानी कि सी लायबल अगर था ए को पे करने के लिए तो बी लायबल था उससे कलेक्ट करने के लिए, और सी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है कि हाँ जी मेरे को ए को देना था, तो वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल फैक्ट। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट सेक्शन 20 क्या कहते हैं, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, यानी कि उस पर्सन के थ्रू जिसे पार्टी ने खुद कहा है तो उससे पूछ ले, अगर उसने कह दिया तो मैं कर दू। मान लीजिए ए और बी कोई वो करते हैं, कोई डिस्प्यूट है ए और बी के बीच में, ए कह रहा है जी मैंने बी को 10 लाख रुपए दिए तो 10% का इंटरेस्ट बोला था, उस टाइम पे सी भी था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी भी था, सी के घर पे बैठ के बात हुई थी। बी ये कहता है कि तू सी ने अगर कोई ऐसा कहा हो कि मैंने तेरे से इंटरेस्ट तय किया है 10% का तो मैं दे दूंगा, और सी ने अगर ये बात कहीं कही हो, स्टेटमेंट हो उसकी, तो वो एडमिटेड फैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। यहाँ पे सी स्ट्रेंजर है, सी बिल्कुल स्ट्रेंजर, लेकिन बी रेफर कर रहा है, अगर सी ने कहा हो, वो रेफर कर रहा है सी ने कहा हो तो मैं तेरे को दे दूंगा इंटरेस्ट 10%, तो उस केस में ही स्ट्रेंजर की स्टेटमेंट एडमिसिबल फैक्ट्स मानी जाए। फिर मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एडमिशन में और विटनेसेस में। नॉर्मली विटनेसेस क्या है, आज विटनेस अवेलेबल है वो हमारे स्टेटमेंट दे देगा कोर्ट में आके, लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट जो विटनेस अब है ही नहीं, या अब आने के लिए मना कर दिया उसने नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कोई स्टेटमेंट थी, रिकॉर्डिंग थी, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में था, कोई और तरीका से प्रूफ करने का, तो वो स्टेटमेंट एडमिशन में आ जाएंगी और उसको हम यूज कर सकते। अब कर रहे थे अगेंस्ट हूम एडमिशन में भी प्रूफ, तो जो बात हमने कहा था सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग, तो जनरल रूल ये है कि स्टेटमेंट जो एडमिट होती है वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट होती है, जिनसे जो बोलने वाला है स्टेटमेंट देने वाला उसका हार्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 21 के पार्ट 2 में पहला जो जनरल रूल है वो पार्ट 1 कहता है कि जो एडमिशन आर रिलेवेंट मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जिसके इंटरेस्ट में है
उसके अगेंस्ट, जो पर्सन बोल रहा है उसके अगेंस्ट में यूज होगा, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूज होगा। लेकिन इसका जनरल रूल क्या है, अगर पर्सन मर गया है, पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसकी अगर वो स्टेटमेंट उसके फेवर में भी जाती है, सेल्फ सर्विंग भी है, तो भी यूज होगी। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने वाला कभी ये नहीं गलत नहीं बोलेगा, ये प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिजम्पशन हमने पढ़ा था कि जो मरने वाला है वो कभी अपने मरते हुए ये गलत स्टेटमेंट नहीं देगा कि वो क्यों मर रहा, किस वजह से मर रहा। तो डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 में वो पढ़ेंगे आगे, तो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो अप्रूव रूप में। अच्छा, दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे थे जहां पे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये बेरक में भी है कि शिप है, अब तीन पार्टीज हैं, एक है शिप का कैप्टन जो शिप को मैनेज कर रहा है, चला रहा है, कैसे जाएगा क्या करेगा, दूसरा है शिप का ओनर, और तीसरी पार्टी है इंश्योरेंस। अब शिप जो चला रहा था कैप्टन, कोई एक्सीडेंट होता है, शिप डूब जाता है, उसमें काफी पैसेंजर्स कैप्टन सब मर जाते हैं। अब जो शिप ओनर है वो इंश्योरेंस से क्लेम करता है, इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये कैप्टन की नेग्लिजेंस जो वो डूबा है। लेकिन वहां पे जो शिप ओनर है वो ये बताता है कि जो कैप्टन था वो एक अपनी डायरी मेंटेन करता था और उस बुक में सारी चीजें लिखता था कि क्या क्या सिचुएशंस आ रही हैं और किन किन सिचुएशन पे कैसे कैसे एक्शन उसने डायरेक्शन दी है, कि अगर ये सिचुएशन आ रही है किन परिस्थितियों में किन सर्कमस्टेंसेस ने उसने शिप को किधर से मोड़ा, क्या किया, वो चीजें नोट करता था, एक एक अपने पैरामीटर्स नोट करता था, और वो डायरी उसको मिल जाती है। अब वो डायरी में जो स्टेटमेंट दी है कैप्टन ने, अब वो शिप ओनर और कैप्टन एक मान लेते हैं तो उनके फेवर में जा रही है, पर ये जो डायरी है उसमें जो स्टेटमेंट है दीज विल बी एडमिसिबल, वो एडमिट हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे सेक्शन को एक बार दोबारा पढ़ें, क्या कह रहा है ये, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, तो ऑन बिहाफ को छोड़ दें, एडमिशन मे बी प्रूव्ड व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड, जो पर्सन बना रहा था वो डेड हो गया, इट वुड बी रिलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 का तो एक्सेप्शन है ही डाइंग डिक्लेरेशन का, उसके अलावा भी ये स्टेटमेंट जो मर गया है और उसकी स्टेटमेंट, क्योंकि अब उठ के कैप्टन नहीं आके गवाही दे सकता, तो उसने जो स्टेटमेंट वहां पे लिखी थी उस टाइम पे वो एडमिसिबल फैक्ट्स होंगी। लेकिन एक चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एडमिशन इज नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, एडमिशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ, तो प्राइमा फेसी वो प्रूफ हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर अपोजिट पार्टी दूसरी कोई ऐसे प्रूफ दे देती है जो उस प्रूफ को डिनाई कर दे तो डिनाई हो सकता है, तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं, तो एडमिशन प्रूफ है लेकिन वीक प्रूफ है। इसके अलावा दूसरा एक्सेप्शन जो है, कोई ऐसा एडमिशन स्टेटमेंट जो जिस पर्सन ने दिया है उसके स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी की कंडीशन को बता रहा हो, accompanied by conduct, दो चीजें हैं यहाँ पर, इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर समझते हैं। मान लीजिए ए रोड से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ दो लोग उसे उठा के किराए साइड में रखा, उसने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो पेन में है, दर्द में है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है जो रिकॉर्ड कर रहा है सारे कॉन्वर्सेशन को, दर्द में कह रहा है कि मैं आराम से जा रहा था, मैंने हाथ भी दिया, उस गाड़ी ने रोका नहीं और रेड लाइट थी और गाड़ी रेड लाइट होते हुए भी भागते हुए आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है, रेड लाइट थी ग्रीन लाइट थी, ये वहां पे जो लोग थे उस टाइम पे वो बता सकते हैं, क्योंकि रेड लाइट थी थोड़ी देर में वो ग्रीन हो जाएगी, ये कैसे प्रूव करेंगे कि हो सकता है ये हो कि वो जो क्रॉस कर रहा हो वो ग्रीन लाइट पर क्रॉस कर रहा हो, अगर ग्रीन लाइट पर क्रॉस कर रहा है तो पैसेंजर की गलती है, और रेड लाइट पर क्रॉस कर रहा है और गाड़ी ने उड़ा दिया तो फिर गाड़ी वाले की गलती है। अब इमीडिएटली जब से चोट लग के बैठा हो और तो वहां उस टाइम पे जो और लोग थे उसने बोला कि रेड लाइट थी, मैंने रोड क्रॉस किया और उसने उड़ा दिया, तो ये जो स्टेटमेंट है, अच्छा स्टेटमेंट देने के बाद और जो कंडीशन कंडक्ट है उसका, वो सारी चीजें भी एज एडमिसिबल फैक्ट यूज हो। तो यहाँ ये एक्सेप्शन है उस बात का जो आपका सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट यूज होंगी, सेल्फ सर्विंग नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे सेल्फ सर्विंग इसकी ये स्टेटमेंट कोर्ट में इसकी इनोसेंस प्रूफ करेगी और गाड़ी वाले की गिल्टी प्रूफ करेगी,
तो ये, लेकिन ये स्टेटमेंट एडमिसिबल हो सकती है क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड कि उस टाइम पे जिसको चोट लगी हुई है उस टाइम पे वो इतनी कहानियां नहीं बनाएगा, चोट नहीं बनाएगा, स्टोरी नहीं बनाएगा। हो सकता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस फैक्ट्स हो कि थोड़ी दूर जाके वो उससे पैसे मांगने लग जाए गाड़ी वाले से। तो डिपेंड करता है, इसमें दो पॉइंट है, पहला पॉइंट स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी को समझने के लिए, और सेकेंड पॉइंट कंडक्ट अकंपनीड बाय कंडक्ट, दोनों चीजों को मिला के ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, एन एडमिशन में बी प्रूव बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलीवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। थर्ड पॉइंट एक जनरल पॉइंट है कि एडमिशन के अलावा अगर किसी की स्टेटमेंट को एडमिट किया जा सकता है, रिलीवेंट है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिशन छोड़ दिया, ये प्रूव करने वाली बात हो जाएगी कि वो रिलीवेंट है या नहीं है, तो वो एक चीज होती है। पर जैसे कि हम कई बार में बोल चुका कि एडमिशन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, एविडेंस है लेकिन और सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ सारी चीजों को कलेक्ट करके फिर देखा जाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग। ये एक बात, एडमिशन कितना रिलीवेंट है, तो एडमिशन रिलीवेंट होता है पर कुछ चीजें हैं जैसे सेक्शन 22 कहता है कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलीवेंट अनलेस एंड अंटिल सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स आर देयर। मतलब क्या हुआ इसका, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मान लीजिए ए ने बी को मॉर्गेज की कुछ प्रॉपर्टी पेपर दिए थे और बी ने उसको पैसे दिए, मॉर्गेज डीड की एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट था, उसे साइन किया था, दो विटनेसेस से सब चीजें थी। अब इस मॉर्गेज डीड को प्रूव करने के लिए वो ओरल एडमिशन नहीं दे सकता, ओरल एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओरल एडमिशन तभी एक्सेप्टेबल हो सकता है भाई जो डॉक्यूमेंट है जिस चीज के लिए उसको आप डॉक्यूमेंट प्रूव करो, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। अगर वो किस लिया था तो उसकी डीड आपने बनाई थी, अगर नहीं बनाई तो फिर अलग चीज है कि आप कैसे प्रूव करो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है डीड बनाई है उसे आप डॉक्यूमेंट से प्रूव करो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, अब डॉक्यूमेंट नहीं है उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट हमारे पोजेशन में नहीं है, दूसरी पार्टी के पोजेशन में, एक रीजन, दूसरा वो डैमेज हो गया, उस केस में सेकेंडरी डॉक्यूमेंट यानी कि उसकी फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी, और फिर आप ओरल स्टेटमेंट एडमिट कर सकते हो कि ये चीजें हुई, तो वो एडमिसिबल हो सकता है। खाली ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशन उस डॉक्यूमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट था, बिना डॉक्यूमेंट के वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसको एक और एग्जांपल से, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे दो तीन भाई कजन ब्रदर्स रह रहे हैं, उनके फादर, ए के फादर और बी के फादर दोनों साथ रहते थे इसी प्रॉपर्टी में, और उनके फादर को मिली थी ये प्रॉपर्टी, तो नाम उनके फादर पे चली आ रही है प्रॉपर्टी, पार्टीशन कभी हुआ नहीं, फादर के दो बच्चे थे, दो लड़के वो रह रहे थे इसमें, दोनों लड़कों की दो, एक एक लड़का है, अब वो रह रहे हैं। अब मान लीजिए ग्रैंडफादर जो उनकी डेथ हो गई है, जो फादर थे, एक लड़के ने, दोनों भाइयों में से एक भाई ने दूसरे भाई को लिख के कुछ दिया था कि जी ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड तुम यूज कर लेना और सेकेंड और थर्ड फ्लोर मैं यूज करूंगा, और कभी ऐसा हो कि तुम्हें ग्राउंड फ्लोर लेना पड़े, तुम्हें ग्राउंड फ्लोर चाहिए या मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा और मैं तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर ले लूंगा, तुम मेरा थर्ड फ्लोर ले लेना। ऐसी कोई स्टेटमेंट उनके बीच में हुई या राइटिंग में कुछ पेपर था उनके बीच में, अब वो इतना पुराना डॉक्यूमेंट है, हो सकता है ना हो, हो सकता है उसका फोटोकॉपी हो, तो एक एज लिमिट होती है, उस एज की लिमिट अगर फोटोकॉपी भी है वो भी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर कोई थर्ड पर्सन है और एडमिटेड फैक्ट्स हैं तो वहां पे वो चीजें एक्सेप्ट हो सकती है, यानी कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलीवेंट। पहला बात क्या कह रहा है, रिलीवेंट नहीं है जब तक कि सेकेंडरी एविडेंस उसके लिए ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रिलीवेंट अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। अगर किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीजें दिखाई दे रही है, जैसे हम एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका, वीडियो है, एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है।
जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन ना उठाया जाए कि वो जेन्युइन नहीं है, तब तक किसी ओरल एडमिशन का वहां पे रिलीवेंसी नहीं है। तो ओरल एडमिशन में हमने कहा, जब जो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जिनके, उनके लिए मान लीजिए अब एक रिकॉर्डिंग है और वहां से गाड़ी आ रही है, यहां से वो जा रहा है, एक पैसेंजर एक लड़का जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीज रिकॉर्ड कर रही है और यहाँ पर रेड लाइट भी दिखाई दे रही है कि रेड लाइट ग्रीन है या रेड, वो भी दिखाई दे रही है। अब इस चीज में उसने क्या एडमिट किया, क्या एडमिट नहीं किया, वो मैटर नहीं करते। जो फैक्ट्स इस वीडियो से शो हो रहे हैं उन फैक्ट्स के लिए उसका एडमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलीवेंट नहीं। ये सेक्शन 22A कहता है। अब सेक्शन 23 कहता है एडमिशन सिविल केसेस नॉट रिलीवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ना और इफ को जरूर पढ़ना। एडमिशन सिविल केसेस नॉट रिलीवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। मीडिएशन होता है, पार्टी से आपस में सेटलमेंट होता है, कोर्ट में पार्टीज गई, उनको बोला आप मीडिएशन में भेज दो, वहां से पार्टीज मीडिएशन में जाती हैं, मीडिएशन में दोनों पार्टी जब मीडिएशन में कॉम्प्रोमाइज में बैठती हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, खुल के डिस्कस होती है। जो डिस्कशन वहां पे हो रहा है और उसका पर्पज ये है कि ये चीज हमारे एविडेंस के तौर पे हमारे अगेंस्ट यूज नहीं होगी, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि खुल के बात कर लेते हैं लेकिन ये जो स्टेटमेंट है हमारी एविडेंस में यूज नहीं होगी, तो वो जो स्टेटमेंट होंगी जो एडमिट भी कर रहे हैं वो एज एविडेंस कोर्ट में यूज नहीं होगी। सिविल मैटर में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सिविल और क्रिमिनल। तो ये जो बात कह रहा है वो सिविल के लिए कह रहा है, एडमिशन सिविल केसेस नॉट रिलीवेंट इफ। अब वो अगर खाली आपने ये लिख दिया कि एडमिशन आर नॉट रिलीवेंट इन सिविल मैटर तो ये गलत हो जाएगा। कब नहीं है, इन कंडीशन में कि एक्सप्रेसली या कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पे जो पर्पस था कम्युनिकेशन का वो सेटलमेंट था, जो चीजें थी कि उसे एविडेंस के तौर पे यूज ना किया जाए, तो उस केस में वो एडमिट नहीं होंगी फैक्ट। ये बात समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। इसमें क्या है, मीडिएशन होता है, पार्टी का सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट बहुत सारी बातें खुल के की जाती है। अगर पार्टी सेटलमेंट के टाइम पे मीडिएशन के टाइम पे बहुत सारी बातें खुल के नहीं करेंगी तो वो सेटलमेंट हो ही नहीं पाएगा। ए और बी है, ए ने कहा, ए ने बी से 10 लाख रुपए दे रखे हैं, उसने क्लेम कर रखा 50 लाख का, क्लेम कर रखा 50 लाख का। ए कह रहा है बी से, तू एक काम कर, 10 लाख है, 5 साल हो गए तुझे मुझे देने थे, 10% 12% का इंटरेस्ट भी है, मेरा लॉस भी है, तो 15 लाख दे दे, मैं केस विड्रो कर देता हूँ। अब ये फैक्ट उनके आपस में बात चल रही है, अब वो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके कोर्ट में ला दे, जी 15 लाख थे इसके, 10 लाख दिए थे इसने, 50 लाख नहीं दिए थे, तो ये एडमिसिबल फैक्ट नहीं है सिविल मैटर, क्योंकि अगर इनको एडमिसिबल फैक्ट बना दिया, एडमिटेड फैक्ट बना दिया, तो फिर सेटलमेंट होने की चांसेस ही खत्म हो गए, फिर कोई लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं करेगा खुल के। तो यही बात सेक्शन 23 कहता है कि सिविल केसेस में एडमिशन रिलीवेंट नहीं है इफ इट इज मेड अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस इज नॉट टू बी गिवन, कि ये जो स्टेटमेंट है एविडेंस के तौर पे नहीं दी जाएंगी, और अंडर सर्कमस्टेंस वेयर द व्हिच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्री टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, कि पार्टी ने खुद डिसाइड किया था कि एविडेंस में नहीं दी जाएंगी उन केसेस। और एक सेक्शन 31 कहता है कि एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे ऑपरेट एज स्टॉपल। स्टॉपल क्या है, दैट इज स्टॉपल, कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है, एग्री की है, बिल्कुल सही बात है ये। चलिए तो ये हमारा एडमिशंस यहाँ पे खत्म होता है। एडमिशन और कन्फेशन में कुछ डिफरेंस हमने देखा था कि कन्फेशन जो है एडमिशन की स्पीसी है, एडमिशन एक बड़ा पोर्शन है, कन्फेशन में वो गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि गिल्ट क्या है। एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस हम समझ रहे थे,
पहला एक डिफरेंस जो एडमिशन और कन्फेशन में है कि कन्फेशन एडमिशन की स्पीसी एक छोटा सा पोर्शन है, एडमिशन एक बड़े फैक्ट्स को एडमिट किया जा रहा है, और कन्फेशन किसी अपने गिल्ट को एडमिट किया जा रहा है कि गिल्ट है। तो दूसरी चीज एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट एडमिट द गिल्ट। एडमिशन सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग दोनों हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में।